बिहार विधानसभा सत्र को लेकर जारी विवाद के बीच बिहार सरकार ने ये साफ कर दिया है। बिहार विधानमंडल का सत्र 19 फरवरी से 24 मार्च तक का होगा। बीते दिन नीतीश कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद जेडीयू नेता नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। नीरज कुमार ने कहा है, अब विधानमंडल का सत्र 19 फरवरी से 24 मार्च तक का होगा, ऐसे में तेजस्वी तैयारी कर लें, वही सत्र की गरिमा किस तरह बनाए रखनी है इस संबंध में भी कुछ पढ़ लें। बता दें आपको, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने ट्वीट कर कहा, चार दिन नहीं, अब 19 फरवरी से 24 मार्च तक का होगा सत्र, तेजस्वी यादव तैयार रखिएगा आदतन तख्ती, सत्र की गरिमा खातिर कुछ पढ़ लीजिएगा, समझ में ना आए तो बेउर और तिहाड़ से पूछ लीजिएगा। वहीं तेजस्वी पर निशाना साधते हुए नीरज कुमार ने कविता के भी अंदाज में लिखा, तेज सियासत का एक्सीडेंट वेग, बना मचिया मैन की गले का घेग, सत्रावधि पर बड़ बोले बबुआ, बनते हो हंगामे के अगुआ, सपना होता कैसे पूरा, जब मन मस्तिष्क में भरा हो कूड़ा, भोंपू गर्जन नहीं चलेगा, जवाब कड़कदार मिलेगा। दरअसल तेजस्वी बीते कई दिनों से विधानसभा सत्र के चार दिनों का किए जाने की बात को लेकर हमलावर थे। सत्रावधि घटाने को लेकर उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था, अगर विधानसभा के बजट सत्र की अवधि को घटाया गया तो विपक्ष सत्र का बहिष्कार करेगा, वहीं विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। तेजस्वी ने यह आरोप भी लगाया था कि विपक्ष के सवालों से बचने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साजिश के तहत सत्र की अवधि घटाना चाहते हैं। हालांकि सत्रावधि को घटाने को लेकर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी।